नमस्कार किसान साथियों, अभी हम मौजूद हैं अपने धान के खेत में और ये जो आप लोग धान की फसल देख रहे हैं ना, बस इनमें कुछ ही दिनों में जो है वो बालियां निकलने वाली है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में उत्पादन बढ़ाने का आखिरी और रामबाण दवा के बारे में, जिसे अगर आप लोग अपनी धान की फसल में सही समय पर सही तरीके से अपनाते हैं तो जो बालियाँ निकलने की अवस्था में धान की फसल में रोग व बीमारी की समस्या आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। पौधा हरा भरा व स्वस्थ रहेगा और उनमें जो भी लगेंगी बालियां लंबी व स्वस्थ रहेंगी, उनमें दानों का अच्छी तरीके से भरा होगा और दाने चमकदार व वजनदार रहेंगे। तो अब ये दवा कौन सी है? धान की फसल में शुरुआती दिनों में अधिक कल्ले होने के बावजूद भी धान की फसल में उत्पादन कम क्यों हो जाता है और इस दवा का अपनी धान की फसल में कब, कैसे और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए जिससे धान की फसल में उत्पादन बढ़ सकता है, इन सब के बारे में कम समय में बेहतरीन जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो अपने जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसान साथियों, बात करते हैं कि धान की फसल में शुरुआती दिनों में ही अधिक कल्लों का फुटाव होने के साथ साथ पौधों में अच्छी तरीके से ग्रोथ होने के बावजूद भी धान की फसल से आखिर उत्पादन कम क्यों हो जाता है? तो देखिए किसान साथियों, धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था आते आते जो है पहले की अपेक्षा बारिश कम हो जाती है, जिससे दिन का टेम्परेचर ज़्यादा और रात का टेम्परेचर कम होने के कारण धान की फसल में तरह तरह के फंगस जनित बीमारियों का अटैक होता है, जैसे शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट से ग्रसित धान का पौधा देखने में कुछ इस टाइप का हो जाता है, जिसे अगर सही समय पर सही तरीके से नियंत्रण ना किया जाए यह पूरे पौधे को कमजोर कर देता है, जिससे बालियां हल्की व कमजोर लगती हैं और इस तरीके से धान की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी हद तक प्रभावित देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि आखिर इस फंगस जनित बीमारी को नियंत्रण करने के लिए हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए? तो देखिए किसान साथियों, इस फंगस जनित बीमारी को भी नियंत्रण करने के लिए मार्केट में एक नहीं बल्कि अलग अलग कंपनियों के तरह तरह के फंगीसाइड उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करना सिर्फ पैसे की ही बर्बादी नहीं बल्कि आपका समय और फसल तीनों की ही बर्बादी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों की धान की फसल में शीत ब्लाइट फफूंद जनित बीमारी आने की संभावना है या फिर आ चुकी है, दोनों ही कंडीशन में इस रोग को नियंत्रण करने के लिए आप लोग इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इस दवा का नाम है कस्टोडिया, जो कि एडामा कंपनी का आता है, बहुत ही कमाल का फंगीसाइड है। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ आसान शब्दों में बताऊं तो इसमें दो प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, पहला एजोक्सोस्ट्रोबिन 11%, दूसरा है टेबुकोनाजोल 18.3% यस्सी फार्मुलेशन में पाया जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का फंगीसाइड है। इसे अगर आप लोग अपनी धान की फसल में फफूंद जनित बीमारी आने से पहले पहले यानी शीत ब्लाइट रोग लगने से पहले पहले अगर आप लोग अपनी धान की फसल में इसका स्प्रे करते हैं तो आप लोगों की धान की फसल में शीत ब्लाइट रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी धान की फसल में शीत ब्लाइट जैसी फंगस जनित बीमारियों का अटैक हो चुका है, उस कंडीशन में अगर आप लोग इसका स्प्रे करते हैं तो उन्हें जो है नियंत्रण कर जड़ से खत्म कर देता है और धान के पौधे में एक नए लेवल का ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे पौधा हरा भरा व स्वस्थ रहता है और उनमें बालियां जो लगती हैं वो लंबी व स्वस्थ लगती हैं। और इस तरह से धान की फसल में अगर आप लोग इस दवा का स्प्रे करते हैं रोग बीमारी मुक्त कर देता है और धान की फसल से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। अब इसका स्प्रे करने की बात करें किसान साथियों, तो आप लोग जैसा कि हमने बताया कि धान की फसल में रोग बीमारी आने से पहले पहले भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो जब आप लोगों की धान की फसल रोपाई करने के 40 से 50 दिन हो जाए उस समय अगर आप लोगों की धान की फसल में फंगस जनित बीमारियों का अटैक हुआ है तो भी, और नहीं हुआ है तो भी आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप लोगों को पहला स्प्रे करने के 15 से 20 दिनों के बाद फिर से कर देना है, जिससे आप लोगों की धान की फसल में जो रोग बीमारी की समस्या आती है यानी जो फंगस जनित बीमारियों की समस्या आती है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप लोग किसी कारणवश अपनी धान की फसल में शीत ब्लाइट रोग आने से पहले पहले इसका स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो आप लोग अपनी धान की फसल में शीत ब्लाइट आने के बाद भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो आप लोगों को 300 ml कस्टोडिया लेना है और आप लोगों को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है, जिससे आप लोग अपनी धान की फसल में लगने वाले तमाम प्रकार के फंगस जनित बीमारियों को जो है नियंत्रण कर अपनी धान की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके से और भी खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।